ये कयामत क्या होती है? कयामत है ना बेटे। क्यों, तेरे एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या? नहीं मम्मी, प्लीज बोलो ना। तुम्हें ना अपने पापा को पूछो, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जब चले, ये आवाज कहाँ से सुनाई दी? अरे मेरी नन्ही सी गुड़िया, वो भी टोपी पहन के आई, कितनी क्यूट लगती है। क्या बात है बताओ। पापा ये कयामत क्या होती है? कयामत बेटे जब, हाँ जब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है ना, तो उसे कहते हैं कयामत आ रही। जैसे कि सडनली अभी एक तार आ गया कि तुम्हारी मम्मी की मम्मी आ रही है, तो मैं कहूंगा कि कयामत आ रही है। राज, ये छोटी कयामत। राज, अच्छा ये बताओ तुम ये सवाल कर क्यों रही हो? नहीं, वो थोड़ी देर पहले टीवी में आया था कि 10 तारीख को कयामत आने वाली है। ओफो, ये टीवी ने तो बच्चों के एजुकेशन की ऐसी तैसी कर रखी है। देखो तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए, अपनी स्टडीज पे गौर करना चाहिए, वरना तुम बड़ी होके मेरे से बड़ी आदमी कैसे बनोगी? बड़ा मतलब मोटा। छी, ये सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। आपने तो खबर सुनी ही होगी। हाँ, ये गुल्लू और गुड्डी कुछ कह रहे थे, कुछ कयामत कयामत बोल रहे थे। बस बस, नाम मत लो उसका। मुझे आपको ये खबर बार बार सुनाते हुए कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। हाँ तो सुनो। हाँ। लेकिन पहले अपने दिल पे पत्थर रख लो। पत्थर? ओहो, आप पत्थर कहाँ से लाओ? वहाँ पे समझा करो। हाँ। आने वाली 10 तारीख को कयामत आने वाली है। प्लीज आगे कुछ बोलिए ना दीदी, लास्ट टाइम भी यही तक बोल के रोने लगी थी। हाँ। ओए, मुझे कोई शौक नहीं है सस्पेंस बढ़ाने का। हमें बस इतनी खबर मिली है कि आने वाली 10 तारीख को ठीक 8 बजे कयामत आएगी और सारी दुनिया डूब जाएगी। अब क्या होगा और कैसे होगा ये तो आने वाली 10 तारीख ही बताएगी ना। तो चलती हूँ, बाय बाय बाय। गुल्लू, ये दुनिया डूब जाएगी यानी हम भी डूब जाएंगे? दीदी ज्यादा चांस तो दुनिया के डूबने का है। अच्छा क्यों? जीजा जी हमेशा कहते हैं हम इस दुनिया के नहीं हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं आया। लग जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, क्या वजह बताओ? राज, पता है 10 तारीख को हम सब डूब जाने वाले हैं। क्यों, गुल्लू म्यूनिसिपालिटी की मेन पाइपलाइन फोड़ने जा रहा है क्या? अरे नहीं, कयामत आने वाली है और सारी दुनिया डूब जाएगी। फिकर मत करो, तुम और गुल्लू नहीं डूब सकते। अच्छा क्यों? भाई साइंस का प्रिंसिपल है, निकम्मी और हल्की चीजें हमेशा ऊपर तैरती है। वहाँ तुम खुद घूम जाओगे और मेरा प्यारा भाई वापस आ जाएगा। क्या कॉन्फिडेंस है भाई बहन में आपस में? मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। कुछ पैसे चाहिए। पैसे? क्यों? अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हमारे अरमान पूरे कैसे हो गए? क्यों क्यों? मैं अपना एक और अरमान पूरा करना चाहता हूँ। वहाँ तो बहुत सारे पेशेंट है। आप सिर्फ पैसे दीजिए, लाइए लाइए। कितने चाहिए? सिर्फ 15-20 हजार। बस 15-20 हजार? एक बात बताओ, ये कयामत कब है? 10 तारीख को। तो समझ लो आज ही 10 तारीख। अरे तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा हमें 10 तारीख को ही पैसे देते हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। हेलो, माफ कीजिए मैं गलत घर में आ गया। जीजा जी। अरे ये फटे बांस जैसी आवाज तो गुल्लू की ही लगती है। अरे गुल्लू ही है। अरे वाह गुल्लू वाह, इतना भारी सूट, किसे टोपी पहनाई भाई? टोपी नहीं पहनाई, बाकायदा खरीद के लाया हूँ। खरीद के ला? आज मेरा एक अरमान पूरा हो गया जीजा जी। ओ गुल्लू, तू क्या जिंदगी भर मेरे ही पैसे से अरमान पूरे करता रहेगा? जीजा जी, जिंदगी के 9 दिन बचे, पैसे के लिए के रोते हुए काटोगे? प्यार से काटो, प्यार करो प्यार। अच्छा हाँ। तो ये ले मेरा प्यार। ले, ले, चोर, चोर। राज उसे छोड़ दो।
हाय राज। हाय। हाय। ये क्या लच्छो, इतना सज धज के तो तुम हमारी शादी में भी नहीं आई थी। ओहो, मैं शॉपिंग करने गई थी। देखो ना, ढेर सारी साड़ीज और सलवार सूट खरीदे हैं मैंने। और मैंने अपने लिए 8 सूट खरीदे। 8 सूट कहाँ गए? जीजा जी, कयामत के दिन तक हर रोज में एक नया सूट पहनूंगा। यस, अच्छा अच्छा राज, वैसे हम तुम्हारे लिए भी कुछ खरीद के लाए हैं। ये देखो, फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सॉक्स। हम और कुछ भी खरीदना चाहते थे, लेकिन 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 तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 3 लाख की लिमिट है। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, क्या आपका रेपुटेशन है बैंक में 3 लाख का क्रेडिट? जॉब नहीं रहा। रहने दो ना, वैसे तुम्हें कौन से पैसे भरने हैं? 9 दिन के बाद बैंक भी डूबने वाली है। क्या बात है। अरे गुल्लू, एक और पराठा खा। नहीं नहीं दीदी, मेरे पेट में पराठे के लिए क्या, उसके खुशबू के लिए भी जगह नहीं है। चलो, एक और अरमान पूरा हो गया। कौन सा? दिन रात 5-star होटल का खाना खाना। दीदी, अगर मैं ये खाना नहीं खाता ना, तो मरने के बाद मेरी आत्मा 5-star होटल की गली में घूमती रहती। हेलो दीदी। हाँ। ओ, आप लोग तो खाना खा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप बोलते रहिए। आजकल हमारा मुंह सिर्फ खाना खाता है और बोलता है, सुनता नहीं। गुड जॉब। मैं आपको सिर्फ याद दिलाने आई थी कि कयामत आने में अब 8 दिन बाकी है। इसमें याद दिलाने की क्या जरूरत है, हमें तो याद है। ऐसी रोमांटिक खबर कौन भूल सकता है। वैसे कयामत के बारे में और कोई खबर आई? ओ यस, इस कयामत का मतलब है धूमकेतु का हमला। चारों तरफ तबाही होगी। हर आदमी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागेगा। अंधकार होगा, पानी में लंबी लहरें उठेंगी। आएगा तूफान एक, जब होगा धूमकेतु का हमला। कोई नहीं बच सकता इससे, कोई नहीं। डर गए? डरिए मत, मैं आपको अब असली राज बताती हूँ। राज? हाँ, दरअसल देखा। अरे हाँ। अरे लेकिन ये भी चली गई। अरे हाँ। ओहो। पर गुल्लू, तुझे मानना पड़ेगा। हाँ, बैठे बैठे कुत्ते को भगा दिया। कुछ नहीं मम्मी, कुत्ते ने बाबू को पहचान लिया। हाँ हाँ भाई, अरे मैं पहुंच रहा हूँ आज शाम को। हाँ, मेरी टिकट भी कंफर्म है। Yes, yes, this evening, okay? I'll see you at the airport. Bye. तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ लच्छो, आज शाम की फ्लाइट से मैं दिल्ली जा रहा हूँ 3 रोज के लिए। एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। तुम 10 तारीख तक तो वापस आ जाओगे ना? 10 तारीख तक क्या है 10 तारीख? तुम कैसे भूल सकते हो, कयामत आने वाली है और मैं अकेले नहीं मरना चाहती। यानी हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। क्या मोहब्बत है तुम्हारी, वाह। क्या करूँ, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। अरे तो समझाओ अपने दिल को, एक समझदार इंसान कब तक पागलपन में तुम्हारा साथ देता रहेगा? हैं? राज, अब क्या है? राज, मुझे एक वचन दो। क्या? अगले जन्म में भी तुम ही मेरे पति बनोगे। लच्छो, माना कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन वो इंसान ही क्या जो अपनी पिछली गलतियों से सबक ना सीखे। मतलब ये कि हर जन्म में मुझ पर तुम्हारे पति होने का अत्याचार, ये कहाँ का इंसाफ है भगवंत? हाय हाय, वो कौन सा सुख है जो मैंने तुम्हें दिया नहीं? जुदाई का सुख। अच्छा ठीक है, चिल्लाओ मत। चलो मैं वचन देता हूँ। मैं कौन सा रघुकुल का हूँ, सुन वचन। मैं किसी भी साक्षी की गैर मौजूदगी में वचन देता हूँ कि जन्मों जन्म तक तेरा साथ निभाऊंगा। मैं भी। तू कहाँ से? मैं कहाँ जाऊँ, आपका और मेरा भी जन्म जन्म का साथ है। हेलो चमना मौसी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। चमना मौसी, आपको पता है ना 10 तारीख को क्या होने वाला है? बताओ तो। क्या? आपकी भैंस को पोलियो का टीका लगाना है? फोन रखो, फोन रखो। पता नहीं इतनी बड़ी
बड़ी बात से दुनिया बेखबर कैसे है? गुल्लू, पता है मैं 320 फोन कर चुकी हूँ, किसी को पता नहीं। दीदी, हमका क्यों टेंशन दे रही है लोगों को बता के? आगरा जल रहा है, आगरा जल रहा है, यहाँ मेरा घाघरा जल रहा है, इसका किसी को फिक्र नहीं है। क्या मतलब मेरे टेंशन का तो सोचो, मैं कुंवारा मरूं क्या? अरे गुल्लू, तेरे लिए मैंने सोच के रखा है। अच्छा, कौन कौन? एक बहुत खूबसूरत लड़की है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री की है, करिश्मा कपूर। दोनों की आंखें बुरी बुरी है। बुरी मेरी आंखें बुरी कहाँ है? हेलो करिश्मा जी, एक मिनट। हाँ, ले ले, करिश्मा है। हेलो, नमस्ते करिश्मा जी। हाँ, मैं गुल्लू बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्रोड्यूसर गुल्लू नहीं, सीधा सादा गुल्लू हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। क्या कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा अगर शादी करनी है तो मुझे घर से भगाना पड़ेगा, बाप के डर से। आप किसको फोन कर रहे हैं? माधुरी दीक्षित। फोन नंबर है? डिक्शनरी में देखो ना। डिक्शनरी में या डायरेक्टरी में? बहस क्यों कर रही हो दीदी, ढूंढो ना। डम्बो। माधुरी 511-3612. हेलो, प्लीज मे आई स्पीक टू माधुरी दीक्षित? जस्ट वन मिनट, माधुरी बोल रही है। अच्छा, हेलो माधुरी, मैं गुल्लू बोल रहा हूँ, हम बचपन में मिले थे पुणे में, याद आया? हाँ वही वही वही, पहचान लिया, पहचान लिया। हेलो, मैं आपके पिक्चर देख के आपका बड़ा फैन बन गया हूँ। बात यह है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, ओके बाय बाय। क्या कहा? कहा मेरी शादी हो चुकी है। हाँ? मेरी पोती कुंवारी है। पोती? क्या मतलब? मतलब ये कि वो फिल्म स्टार माधुरी दीक्षित नहीं है, ये दीक्षित पापड़ एंड भुजिया कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर माधुरी रमैया दीक्षित। क्या पापड़ खाओ क्या? ए चुप रे, देख ललिता पवार है क्या? देख क्या करूँ। अरे मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं अपना दूसरा अरमान पूरा करने जा रहा हूँ। मेरा दूसरा अरमान है लड़कियों को छेड़ना। हाँ ठीक है, ठीक, कोई भी पहले सामने लड़की देखेगी ना, मैं उसे जाके छेड़ूंगा। हाँ नहीं मामा। अरे देखी 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 रे मामा, देखी मामा। हेलो मौसम कितना सुहाना है, डायलॉग कितना पुराना है। प्लीज मुझे नर्वस मत कीजिए, ये मेरा पहला ही मौका है लड़की को छेड़ने का। तुम्हें शर्म नहीं आती अकेली लड़की को इस तरह छेड़ते हुए? अगर आप भीड़ में खड़ी होती ना तो शर्म आती, अकेली खड़ी हो ना इसलिए छेड़ रहा हूँ। जरा आप इधर आएंगे? नहीं नहीं, यहाँ कोई लफड़ा नहीं हो रहा है, मैं इस लड़की को छेड़ रहा हूँ। हिम्मत तो देखो इस मवाले की। अरे अभी तक कहाँ हिम्मत देखी आपने मेरी, पहले मैं बातों बातों में छेड़ूंगा, फिर यहाँ चोटी काटूंगा, यहाँ चोटी काटूंगा, यहाँ चोटी काटूंगा, फिर मैं आपको यहाँ थप्पड़ लगाऊंगी, वहाँ थप्पड़ लगाऊंगी। मुझे पहले से ही पता था मुझे मार पड़ने वाली है, ये देखो इसलिए मैं बैंडेड लेके घूम रहा हूँ। भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चुपचाप यहाँ खड़े रहिए, मुझे इस लड़की को छेड़ने दीजिए प्लीज। कैसे छोड़ने दूं यार? क्यों, आपकी बहन लगती है क्या? अरे नहीं, मेरी बीवी है। हाँ ये भी नहीं। बस अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं धूमकेतु का हमला हमारी इस धरती पर होने में, तो आप सब तैयार हैं ना इस एक्साइटिंग मोमेंट के लिए? ये खबर महज हमने इसलिए उड़ाई, फिर से आई हमें डराने के लिए। ये उसकी आवाज बंद कर दे, बंद कर दे आवाज, अभी कुछ बोलना नहीं, चुप। हाँ देख कैसे मटक मटक के मरने की खबर सुना रही है। हाँ। इस दुख में भी उसे हंसी आ रही है। खुशी के आंसू तो देखे थे दीदी, लेकिन दुख की हंसी पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन ये हंस क्यों रही है? बावली हो गई है, मौत के सामने तो सबकी बत्ती बंद हो जाती है, ये उसका स्टाइल है डरने का, बंद कर देना। दीदी मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। क्या? क्या खबर लाया गालिया? सरदार मैं ये बंगला ब्लैक में बेचना चाहता हूँ।
ये बंगला क्यों? अरे दुनिया ही डूब रही है तो इस बंगले का क्या करेंगे? ये बंगला बेच के हम पैसे गरीबों में बांट देंगे। गुड आइडिया, लेकिन राज को बुरा लगेगा ना। अरे पहले पहले फटफट फटफट करेंगे, नादान इंसान ऐसे ही करता है, लेकिन बाद में उनके आत्मा को शांति मिलेगी। मामा दुनिया सच में डूबने वाली है ना? हाँ, ये देखो अखबार में खबर आई है। अच्छा हाँ। ठीक है तो बंगला बेच देते हैं। मैंने खरीदार भी लाया, अभी बुलाता हूँ। मैं भड़कम, मुझे मालूम है, इन्हें बताइए। मैं स्टेट एजेंट भड़कम कर। अच्छा नमस्ते। और ये सेठ निराम। अच्छा नमस्ते बहन जी। आपका ये बंगला खरीदना चाहते हैं 1 करोड़ में। क्या सिर्फ एक? इतना बड़ा बंगला सिर्फ एक में? ठीक है भाई साहब, आप 2 ले लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप तो 1 और 2 के आगे बढ़ ही नहीं रहे। देखो हम तो 50 लेंगे, पूरे 50 लाख ना देंगे। ट्राय तो करेंगे। देखिए ये मेरे बजट से थोड़ा बाहर है, कुछ कम। बाहर है ना, आप बाहर जाइए, हम दूसरा ढूंढेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमारे मंजूर है ना, हमें मंजूर है। सुनिए आप बंगले का पोजीशन कब देंगे? 10 तारीख को रात को, ठीक 8:02 में। क्यों, कैसे लग रहा है? पूछ तो ऐसे रही है जैसे अकबर का किला दिखाया। मौत के सामने कैसा लगेगा? टेंशन बढ़ रही है ना? टेंशन? दिल के धड़कन का आलम मत पूछो, कभी 100 के स्पीड पे भागता है तो कभी 10 के स्पीड पे घसीटता है। टेंशन का तो पूछो ही मत। घबराइए मत, मैं बस आपको ये याद दिलाने आई थी कि 10 तारीख करीब आ रही है और हम सब। दीदी मैं आया। दीदी ये देखो, ये देखो। ये क्या? 50 लाख रुपया। 50 लाख? हाँ, बाकी जो ऑटो में छोड़ के आया हूँ। ऑटो में? क्या करूँ, सेठ जी ने मुझे 1-1, 2-2 के नोट दिए और ये सिक्के दिए। लगता है वो भिखारी लोगों का कॉन्ट्रैक्टर होगा। लेकिन इतने सारे नोट क्या करेंगे हम? भिखारियों में बांट देंगे। भिखारियों में? हाँ। रे अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। अपनी कंट्री कितनी फास्ट हो गई है। दीदी दे दे उसे 5,000 रुपया। ये ले 5,000 रुपया। इतने पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 1 नोट काफी है। लेकिन क्यों? ये ऐसे ही घर में खाली बैठा था तो रूटीन वॉक पे निकला। अच्छा। यू डोंट वरी, अपने पास बहुत है। ओके सी यू। दे रे दे रे, बहुत है फिर भी भीख मांग रहा है। अब क्या? हाँ, क्या? ये नोट सारे रिश्तेदारों में बांट दे। हाँ। चलो लिस्ट बनाते। दीदी दीदी 10,000 रुपए मैं अपने स्कूल टीचर को देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे कभी क्लास में बैठने ही नहीं दिया। अच्छा। हमेशा कहा गुल्लू जा बाहर की दुनिया देख। ये लो। दिस कार बिलोंग्स टू मिस्टर पटेल। मेरी गाड़ी पर ये लेबल किसने लगाया? कयामत के दिन आपका हार्दिक स्वागत। अरे लेकिन लच्छो, बाहर मेरी गाड़ी पर हमारे घर के बाहर ये किसी दूसरे आदमी के नाम का बोर्ड क्यों लगा हुआ है? विजय जी, हम लोगों ने सब बेच दिया, गाड़ी बंगला सब बेच दिया। आप हमेशा कहते थे ना हम महान काम कभी नहीं कर सकते, लो कर दिखाया। इससे महान कार्य और क्या कर सकते थे कि अपने जीजा को सड़कों पे ले आए। लेकिन एक बात बताओ, इस महान काम के लिए आपको प्रेरणा किसने दी? राज तुम कितने भुलक्कड़ हो। ये भी तो आप दोनों की कृपा है। राज तुम भूल गए आज की तारीख क्या है? 10। राइट,
दस तारीख को ठीक 8 बजे। दीदी 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 क्यों सब कुछ बता रही है? अंतिम 8 घंटे जीजाजी को शांति से जीने दो। I'm sorry, you have a valid point. राज, तुम यू समझ लो कि ये सब बेचकर हमने ठीक किया है। हाँ। Trust us, राज। हाँ। गुल्लू, जरा घूमना तो। घूमो। Oh no! क्या हुआ? अरे 2-4 रुपए में इसको भी बेच देती। हाँ। भागते भूत की लंगोट से ही। भगवान हमारे पापों को माफ कर दो। अन्याय में जानबूझकर हमने जो गलतियां की है उसका अकाउंट क्लियर कर दो प्रभु। अरे क्या हो क्या गया तुम दोनों को? भगवान ये नादान है, इसे भी माफ कर दो। इस पापी का दंड हमने टंग 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 टंग। नमस्ते नमस्ते, कौन है आप? मैं शेठ धनीराम, ये बंगले का नया मालिक। अरे भाई हमें बंगला नहीं बेचना है। लच्छो इनके पैसे लौटा दो पैसे इनके। अरे राज, इनके सारे पैसे मैंने रिश्तेदारों में बांट दिए है, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 10। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जीजा जी, जीजा जी आप मेरे साथ ऊपर चलिए, मैं सब समझाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे बंगले की चाबी दो। हाँ मिल जाएगी चाबी, आप बैठिए ना, 8:02 पे मैं आपको चाबी दे दूंगा। इसका मतलब तुमने मुझे डुबो दिया? नहीं, तुमने मुझे डुबो दिया। क्या डुबो दिया? क्या डुबो दिया? ये देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। आज ठीक 8 बजे धूमकेतु पृथ्वी पर टकराने वाला है। तुम उंगली हटा, उंगली हटा। और ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? लिखा दिख नहीं रहा तुम्हें? इश्तेहार है ये छोटे अक्षरों में, क्या लिखा है? मैंने देखा नहीं था। देखा नहीं था लेकिन वो टीवी वाली औरत वो। नमस्कार। नमस्कार। कुछ ही देर में धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा। राज पे राज पकड़ो, मैं तुम्हारे साथ बनना चाहती हूँ। दीदी मुझे भी साथ लीजिए। हमला धूमकेतु का। The countdown begins. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आपको पिछले 10 दिनों से जिसका इंतजार था वो धूमकेतु आ पहुंचा है। आज से देखिए हमारा नया टीवी सीरियल धूमकेतु का हमला, प्रायोजक डाबा डुबी डाबा। डाबा डुबी डाबा।